चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स, आइडियल फ्लूइड क्या होता है और फ्लो के क्या टाइप्स हैं। उसके बाद ड्रैग फोर्स देखेंगे कि क्या होता है, स्टोक्स लॉ और आखिर में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पिछले चैप्टर्स में हम मोशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने लीनियर और एंगुलर मोशन देखा मुख्तलिफ चीज़ों का, मगर वो सॉलिड चीज़ें थी, उनकी शेप होती है और एक मास होता है। अब हम इस चैप्टर में भी मोशन डिस्कस करेंगे मगर फ्लूइड्स का। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्लो करे, यानी फ्लूइड्स की एक तो शेप नहीं होती, उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, वो शेपलेस होते हैं, और अगर उनके ऊपर आप कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसके मुताबिक ढल जाते हैं, जैसे पानी या बाकी सब लिक्विड्स, जैसे हवा, गैसेस, लिक्विड्स, ये सब फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब है कि हम ये डायनामिक्स का मतलब है कि वो जब फ्लूइड्स मोशन में होते हैं तो उनकी क्या वेलोसिटी होती है या क्या वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उन चीज़ों पे जो उनके सामने आती हैं। ये एक बहुत अहम फील्ड है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मसलन फैक्ट्रीज में, जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज में बड़े बड़े ड्रम्स और पाइप्स में फ्लूइड्स को लेके जाया जाता है और उनको हम उनकी मदद से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या हज़ार किस्म के प्रोडक्ट्स, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम पानी को बड़े बड़े डैम्स में रखते हैं और उसकी मदद से बिजली बनाते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए भी हमें फ्लूइड डायनामिक्स अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अगर हमें फ्लूइड डायनामिक्स समझनी होगी तो हम कोई क्रिटिकल मिस्टेक कर सकते हैं कैलकुलेशंस में, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये एक काफ़ी अहम फील्ड है। फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी जब हम करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर फ्लूइड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए हम इसको आसान बनाने के लिए एक आइडियल फ्लूइड अज्यूम करेंगे जिसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हैं। वो नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल होता है और उसका फ्लो स्टडी होता है। अब इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब है हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। अगर कभी आपको समंदर के किनारे बैठने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि समंदर की लहरें जो हैं वो शीट्स की फॉर्म में आती हैं। एक लहर आती है, फिर उसके ऊपर एक और शीट सी आती है, फिर नीचे वाली पीछे चल जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और शीट सी आ रही होती है। ऐसा हर फ्लूइड के केस में होता है। कोई भी फ्लूइड जब उसको फ्लो करने दिया जाए, उसको बहने दिया जाए, तो वो शीट्स की फॉर्म में बहता है। मगर फर्ज करें अगर हमारे पास एक शहद की बोतल है, उसको हम उलटते हैं, तो शहद की जो शीट्स होंगी वो हमें इतनी क्लियरली नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बह रहा होता है, उसके फ्लो आसान नहीं होता। अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए कि किस कोई लिक्विड कितनी जल्दी फ्लो करता है या कितनी मुश्किल से फ्लो करता है, हम एक खास पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि फ्लूइड जब मूव करता है तो वो शीट्स की फॉर्म में मूव करता है। एक शीट मूव करती है, उसके ऊपर दूसरी शीट मूव करती है, उसके ऊपर तीसरी, और किसी भी दो शीट्स के बीच में एक खास फ्रिक्शन होती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ही एक शीट को दूसरी के ऊपर मूव करने में रुकावट महसूस होगी, तो वो आहिस्ता मूव करेगा। शहद के केस में, जो कि एक थिक लिक्विड है, उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसकी शीट्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक शीट जब दूसरी के ऊपर मूव करना चाह रही होती है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। इसके बरक्स पानी या और जो ज़्यादा जिन लिक्विड फ्लूइड्स में फ्लो होता है, पानी, हवा, उनके केस में जो शीट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत आराम से, दूसरी शीट उसके ऊपर आ जाती है, तीसरी उसके ऊपर बहुत आराम से आ जाती है, क्योंकि किसी भी दो शीट्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो हम ये अज्यूम करें कि आइडियल फ्लूइड जो है वो हमारा नॉन विस्कस है, यानी उसकी दो शीट्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो आराम से, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये पहला ट्रेट है आइडियल फ्लूइड का। विस्कोसिटी का सिंबल होता है ईटा, और विस्कोसिटी बराबर होती है प्रेशर टाइम्स टाइम, जिस टाइम के लिए वो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो ये यूनिट है विस्कोसिटी का। प्रेशर को हम पास्कल कहते हैं, पास्कल सेकंड में हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। एक और सिस्टम सीजीएस सिस्टम में इसी चीज़ को पॉयज कहते हैं। तो पॉयज यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ग्रेविटेशन फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
दूसरी क्वालिटी एक आइडियल फ्लूइड की ये है कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं की जा सकती, डेंसिटी इज कांस्टेंट। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, स्क्वायर क्यूब है, और उसके अंदर किसी फ्लूइड के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसको कंप्रेस करने का मतलब है कि हम इस क्यूब से छोटा एक क्यूब लें और इन तीन के तीन मॉलिक्यूल्स को हम उस छोटे डब्बे में बंद कर दें, तो ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। हम कहते हैं कि हमने इसको कंप्रेस कर लिया। अब जो आइडियल फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। उसको अगर हम छोटे डब्बे में डालेंगे तो उसके दो मॉलिक्यूल्स बाहर रह जाएंगे और उसके टोटल डेंसिटी सेम रहेगी। मसलन डेंसिटी की यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, यानी कितना मास एक मीटर क्यूब के डब्बे के अंदर है। तो अगर मैंने इसको छोटे डब्बे में डालने की कोशिश की तो पर यूनिट पर मीटर क्यूब उतना ही मास रहेगा, तो वो फिर मेरे पास तीन मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। हो सकता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल आए या उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसकी वजह से उसका टोटल डेंसिटी जो है, टोटल मास पर यूनिट क्यूब सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमने देखा कि कोई भी जो फ्लूइड होता है जब वो फ्लो कर रहा होता है तो वो शीट्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है, जैसे समंदर की लहरें। अगर हम इन लहरों का क्रॉस सेक्शन लें तो हमें क्या नजर आएगा? हमें लाइंस नजर आएंगी, उन शीट्स का हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं इसलिए। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड है उसका स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो में सब पार्टिकल्स लाइंस में जा रहे होते हैं, ऐसे ही जैसे असेंबली के बाद बच्चे लाइंस बना के अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे होते हैं। एक लाइन में एक बच्चा जाता है, उसके पीछे दूसरा बच्चा जाता है, वो लाइन खराब नहीं होती। इसी तरह एक स्टेडी फ्लो जिस फ्लूइड में होता है उसमें पार्टिकल्स एक लाइन में जा रहे होते हैं, एक पार्टिकल जाता है उसी लाइन के ऊपर, फिर दूसरा पार्टिकल जाता है। इसके बरक्स अगर किसी फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए या उस फ्लूइड के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसका फ्लूइड उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो, जैसे हम चाय में चीनी मिक्स करें और हम चम्मच को एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन में करें तो एकदम से उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है, उसकी लाइंस ख़राब हो जाती हैं, उसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। वो ऐसा होता है जैसे बच्चे ब्रेक टाइम में क्लासेस से रैंडम भाग रहे होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो एक टर्बुलेंट फ्लो की एग्जाम्पल है। फर्ज करें हमारे पास दो पाइप्स हैं, हाफ पाइप हैं, हम इनको ऊपर से देख सकते हैं, और एक पाइप खाली है और एक पाइप में हम पानी डाल देते हैं। अब हम दो बॉल्स लेते हैं और दोनों बॉल्स को हम एक दोनों बॉल पे हम एक फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं उनको इन पाइप्स के ऊपर। तो जो खाली पाइप में बॉल मूव करेगा वो तेजी से आगे जाएगा, और जिस पाइप में पानी है उसमें जो बॉल मूव करेगा वो आहिस्ता जाएगा और थोड़ी देर के बाद शायद रुक भी जाए। इसकी वजह है ड्रैग फोर्स। जब भी किसी फ्लूइड के अंदर कोई चीज मूव करती है तो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये फोर्स उसकी मोशन को अपोज करता है, यानी इस एग्जाम्पल में पानी इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि उसकी बॉल की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होती है, यानी जितना मैं इस बॉल को ज्यादा वेलोसिटी से आगे पुश करूंगी उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स वापस उसके ऊपर लगेगा। मुख्तलिफ शेप्स की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब वो पानी या फ्लूइड में मूव कर रही होती है मुख्तलिफ ड्रैग फोर्स लगता है, तो हर शेप के हिसाब से हमें ड्रैग फोर्स के लिए मुख्तलिफ कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। फिलहाल हम एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें एक स्फेयर जिसका रेडियस आर है वो एक वेलोसिटी वी के साथ एक फ्लूइड में मूव कर रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर कितना ड्रैग फोर्स लगता है। वो हमारे पास गिवन है, ये बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है उस स्फेयर की। ईटा क्या है? ईटा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है जिसमें वो बॉल मूव कर रहा है। इस फ्लूइड की विस्कोसिटी हमने देखा था कि क्या होती है, तो ड्रैग फोर्स बराबर होगा 6 पाई ईटा आर वी के। ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। जो हमने अभी ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन देखी, एक स्फेयर के ऊपर कितनी होती है, ड्रैग फोर्स बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। वो पूछ रहे हैं रेशो ऑफ रिटार्डिंग फोर्स टू स्पीड। ये रिटार्डिंग फोर्स है, हमें पता है इसकी रेशो हम स्पीड के साथ लेना चाहते हैं, जो स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। स्फेयर वी से डिवाइड कर दिया, वी वी से कट गया, 6 पाई ईटा आर हमारा आंसर है। 6 पाई ईटा आर, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं।
स्टोक्स लॉ के मुताबिक एक स्फीयर जब एक फ्लूइड में मूव करेगा उसके ऊपर एक खास ट्रैक फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर होगा 6 पाई ईटा आर वी के। एक बारिश का कतरा जब हवा में नीचे गिर रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट एक स्फीयर बना रहा होता है, उसके ऊपर एक ट्रैक फोर्स एफ लग रहा होता है। दूसरी तरफ जमीन की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है एम जी के, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर की स्पीड से वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है। जब वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो उसका जो ड्रैग फोर्स होता है वो स्पीड के साथ प्रोपोर्शनल होता है, वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो जब तक वो एक्सेलरेट करता जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, उसका ड्रैग फोर्स इंक्रीज होता जाता है। एक पॉइंट पे ये ड्रैग फोर्स बराबर हो जाता है उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एम जी के, इस पॉइंट पे उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन बंद हो जाती है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रही थी, क्योंकि ड्रैग फोर्स इतना ज्यादा हो चुका है। इस पॉइंट के बाद वो ड्रॉप एक्सेलरेट नहीं करता बल्कि कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं एम जी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस और ड्रैग फोर्स ऑन द रेन ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर, रेन ड्रॉपलेट एक स्फेयर बना होता है जिसका रेडियस आर होता है, स्पीड वी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स स्टोक्स लॉ हमें देता है 6 पाई ईटा आर वी, ये हमने अभी देखा। उन्होंने हमसे टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पूछी हुई, ऐसा ना हो कि हम रेन ड्रॉपलेट देखें और हम ये सोच लेंगे, नहीं उन्होंने हमसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी होगी तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं बाकी ऑप्शंस के साथ। उन्होंने हमसे ड्रैग फोर्स पूछा है जो कि हमें स्टोक्स लॉ देता है, वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। मेरे पास एक पाइप है, मैं इस पाइप के दो हिस्से कंसिडर करूंगी, एक शुरू में और एक आखिर में। शुरू के हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसकी मैं एक लेंथ कंसिडर करूंगी डेल्टा X1, यानी ये सेक्शन कंसिडर किया पाइप का, और दूसरा A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसका मैं ये हिस्सा कंसिडर करूंगी। हम X1 और X2 इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि मेरे पास पहले वाले सेक्शन में जो मास है जिसको मैं डेल्टा M1 कह देती हूँ, किलोग्राम्स में इस पाइप के अंदर जो जितना मास आता है उतना ही मास इस दूसरे सेक्शन के अंदर आना चाहिए किलोग्राम्स में। यानी अगर हम इस पाइप में से जितना फ्लूइड है उसको निकाल के एक मेजर करें, अगर ये 5 किलो है तो फिर दूसरे वाले को अगर मैं इस हिस्से के पाइप को पूरे का पूरा काट के मेजर करूं तो ये भी 5 किलो होना चाहिए। ये दोनों मास मैंने खुद से इस तरह ये लेंथ और कंसिडर किए हैं कि वो बराबर हों। तो मेरे पास डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2 मैं लिख सकती हूँ अब, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है कि मास सेम है। तो अब मास मैं डायरेक्टली मेजर करने के बजाय मैं उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिखती हूँ। डेंसिटी को अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, अगर मैं इसको वॉल्यूम जिसके यूनिट मीटर क्यूब होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मास आ जाता है किलोग्राम्स में। तो मैं फर्स्ट वाले की डेंसिटी फर्स्ट वाले का वॉल्यूम को बराबर कह सकती हूँ, सेकेंड वाले की डेंसिटी सेकेंड वाले का वॉल्यूम। हम एक आइडियल फ्लूड कंसिडर कर रहे हैं जिसके आइडियल फ्लूड के 3 ट्रेट्स हैं, जिसमें से एक है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। तो दोनों की साइड्स पे जो डेंसिटी है वो बराबर रहेगी, इसलिए मैं इसको काट सकती हूँ असूली तौर पे, क्योंकि मेरा फ्लूड आइडियल है और इनकम्प्रेसिबल है। अब मेरे पास क्या रह गया, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के बराबर है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैं एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फर्स्ट वाला एरिया फर्स्ट वाली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा वाला एरिया दूसरी वाली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेंथ डेल्टा एक्स जो है उसको मैं वेलोसिटी इंटू टाइम का प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। फर्स्ट वाले सेक्शन में मेरी वेलोसिटी V1 थी, दूसरे वाले में मेरी वेलोसिटी V2 थी, और इस पूरी चीज़ को मैंने डेल्टा टी इंटरवल में मेजर किया तो डेल्टा टी सेम है, सेम रहेगा। मैं A1 मल्टीप्लाई V1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी सेम है दोनों केसेस में, एक ही इंटरवल में मैं दोनों चीजों को मेजर कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, ये बेसिकली मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। और हमें ये देख के हैरत हुई कि इसमें मास का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये जो डेल्टा X1 मैंने कंसिडर किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जेनेरिक है, सिर्फ एरिया और वॉल्यूम वेलोसिटी है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी पाइप वो कितना भी लंबा हो अगर मैं उसके अंदर एक सेक्शन काटती हूँ, अगर मुझे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और अगर मुझे ये पता है कि उसके अंदर उस एरिया में से जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो कितनी है, तो वो प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। ये एरिया और
वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. मैं इस पाइप के जितने भी हिस्से करके देख लूँ उन सब में ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री एंड सो ऑन, ये हमेशा सेम रहेगा. ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज जीरो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है कि एक पाइप में आप किसी भी जितने मर्जी पॉइंट्स के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वहाँ से गुजरने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी लें तो ये प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है पाइप के हर हर पॉइंट के ऊपर. अगर एरिया ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा. तो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी.